सारा नहीं ले रही। हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइज, आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे हक्का नूडल्स कैसे बनाते हैं। सो गाइज, हम लोग घर में बना रहे हैं हक्का नूडल्स, खाने का मन था बच्चों का। सो गाइज, आपको भी दिखा देते हैं वीडियो और हम लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइज करते हैं शुरुआत। सो गाइज, चौमिन के अंदर हम क्या क्या डालेंगे वो आपको दिखाते हैं गाइज। तो मैडम, इसमें से थोड़ी सी सोयाबीन डालना है इसके अंदर। हाँ, थोड़ी सी सोयाबीन इसे डाल लेते हैं इसमें चौमिन के अंदर जो हम मिक्स करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी और। ठीक है, इसमें गाइस डाल देते हैं पानी, थोड़ी देर फूल जाएगी। सुबह जमने पानी रख दिया है, चौमिन इसके अंदर बॉईल करेंगे गाइस। ये रही हमारी चौमिन जो हम बनाएंगे, झिक्के खाएंगे हम पूरी फैमिली एरिया। सो गाइस, आप सब उम्मीद करते हैं वीडियो ज़रूर देखना, लास्ट तक देखना। थोड़ी देर गाइस पानी को गर्म होने देते हैं, उसके बाद डालते हैं इसे नूडल्स को। मैडम, इसमें थोड़ा सा नमक डालना है इस पानी के अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देते हैं। ठीक है, सो गाइस थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ा सा इसे पानी को बॉयल होने देते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर तेल डाल देते हैं ताकि ये चौमिन चिपके ना एक दूसरे से। तो दोस्तों, पानी हमारा गर्म हो रहा है अभी फिलहाल, जब तक हम काट लेते हैं शिमला मिर्च। और गाइस, ये हमने ले रखी है पत्ता गोभी और शिमला मिर्च काटते हैं गाइस। उसके बाद काटते हैं प्याज, करते हैं थोड़ा सा वेट। बहुत ही ज़बरदस्त चौमिन बनेगी गाइस, आप भी बना सकते हो अपने घर में बहुत ही आसानी से, एकदम होटल के जैसे जैसे होटल में खाते हैं हम लोग बाहर जगह के, वैसे चौमिन बना सकते हैं आप घर में। चलो बनाते हैं चौमिन। नीचे सब हमारा फैमिली पानी शायद बॉल हो गया, देखते हैं। मम्मी काट दो। सुबह इस पतीला हमारा थोड़ा छोटा है, इसके अंदर हम आधी डालेंगे। बहुत ही अच्छा बनेगा ये। सो गाइस, हमने आधा डाल दिया इसके अंदर, आधा रख दिया, आधा बनाएंगे नेक्स्ट टाइम फिर करें। सो गाइस, अब थोड़ी देर उबलने देते हैं इस नूडल्स को, फिर इसे निकाल के उस पर बिछाएंगे। सो गाइस, हमारी चौमिन अच्छी तरीके से बॉयल हो गई है, देखिए। अभी से हम इसे निकाल लेते हैं इसके अंदर। सब ऐसे अच्छे से निकालते हैं थोड़ा सा। इसे पानी डालना है, ऐसे रोक के रखो। सब ऐसे खुले बर्तन में रखें, हमारे पास जुगाड़ नहीं है वैसा, मतलब तो हम इसी में रख रहे हैं परात में। पानी निकलने तक इसको ऐसे रहें कि पानी नहीं चढ़ जाए सारा। दोस्तों, हमने सारी इसके अंदर से पतीले के अंदर से निकाल ली गाइस, करते हैं थोड़ी देर इसे ठंडा करेंगे गाइस। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के, मतलब पर तेल लगा के इसे थोड़ा। बाबू, आप खाओगे? खाओगे? हमारा बाप गुन्नू भी खाएगा।
सो गाइस हमने इसके अंदर तेल डाल दिया, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, उसके बाद डालेंगे हम लोग जो हमने काट रखा था। ये देखिए गाइस इसके अंदर शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, प्याज है, मटर है और गाइस थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट रखी है इसके अंदर। और गाइस इसके बाद ये गाइस इसके अंदर डालेंगे हम सोयाबीन, तो अभी तेल हमारा थोड़ा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई छोटी है तो अच्छी खाने लगे, अच्छी थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा पत्ता गोभी इसके अंदर डाल देते हैं। बस ठीक है, और इसे थोड़ी देर पकाते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर एक चम्मच डालते हैं थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर, तो बोतल हम लेके आते हैं यहाँ से खरीद के आई थोड़ा लगाते हैं ब्लैक वाला के अंदर जो कलर आ गया। भून लेते हैं शिमला मिर्च हमारी और पत्ता गोभी और क्या बोलते हैं मटर है दिन से गई, ठीक है थोड़ा पक जाने देते हैं, उसके बाद डालते हैं नूडल्स करते हैं थोड़ा सा वेट, नूडल्स आएंगे बन के अच्छे से थोड़ी देर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ी जल्दी पक जाएगी सब्जी हमारी। थोड़ी सी मिर्च डाल देते हैं इसके अंदर। सुबह जो हमने क्या बोलते हैं चाउमीन का जो मसाला जो बना रहे हैं गाइस ये पूरा अच्छी तरीके से पक गया है, अब हम इसके अंदर डालते हैं चाउमीन। सुबह आधी चाउमीन डालेंगे, आधी चाउमीन डालेंगे थोड़ी देर बाद डाल दो थोड़ी डाल दो मिलाओ। सुबह इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मिक्स कर रहे हैं देखिए गाइस बहुत ही अच्छी बनी है गाइस, इसका कलर बहुत ही अच्छा है गाइस आप देखते जाइए। सो गाइस अभी हमारी चाउमीन तैयार हो गई है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ जल्दी। सो गाइस हमने फैमिली की चाउमीन बना ली गाइस, आप भी अपने घर के अंदर बना सकते हैं।